जय जिनेंद्र, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का यूटन स्पिरिचुअल के ऑनलाइन चैनल पर। हमारे समक्ष उपस्थित है मुमुक्षु सुश्री नेहाधि जैन, जो 27 वर्ष की है। मेरे साथ में और भी मुमुक्षु बहन है ना, तो वो मेरे से यही बोलते हैं कि आपने वीर परिवार में जन्म लिया, क्योंकि जो मेरे बहन महाराष्ट्र है उनकी दीक्षा पहले ही हो गई थी, मेरा जन्म तो बाद में हुआ था। तो बोलते कि वीर तो बनना ही है, वीर परिवार में जन्म लिया है। तो बोलते थे मजाक में कि वीर तो बनना ही है, तो वीर परिवार में आपने जन्म लिया है। तो मैंने कहा सही, आपकी बात सच है, मैं तो यही बोलती हूँ। तो उनसे मतलब शादी के नाम से ही मतलब कि शादी तो करनी नहीं है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में शी हैज कंप्लीटेड एमए, जिन्होंने मास्टर्स करा है हिंदी में, इसी के साथ इन्होंने बीएड भी करा है, और इन्होंने एक करियर सोचा था कि जहाँ ये टीचिंग के प्रोफेशन में आगे बढ़ने का विचार। जैन दीक्षा होती है उसमें किसी भी जीव को, प्राणी को क्या नहीं करनी है, वेदना नहीं पहुंचानी है, बस अपनी आत्मा को ऊंचा उठाना इसके लिए होती है कि किसी को नीचा दिखाकर अपने आप को ऊंचा नहीं उठाना। जब तो क्या 2015 में दो दीक्षाएं हुई थी, तो वहाँ पे जब दीक्षा हुई ना, तो तभी से मेरा मतलब धर्म से लगाव ज्यादा हुआ, क्योंकि वही अब सिटी में ही दीक्षा है तो आना जाना रहता ही है, घर वाले के संस्कार है, माता के दर्शन करने जाओ। ये बचपन का अगर बोले थे, जैसे मेरे को बस एक तो कपड़ों का बस शौक था, कपड़े चाहिए अच्छे, एक भी कोई ऐसा नहीं चाहिए। भाभी अच्छे बचपन का मैन एक बहुत अच्छी लाइन बोली थी एक बार मित्रों ने, तो अभी भी मतलब माइंड में फिट है कि यही कि ज्ञान ध्यान कम होगा तो चलेगा, पर सेवा समर्पण और विनय ये होने चाहिए। जय जिनेंद्र, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का यूटन स्पिरिचुअल के ऑनलाइन चैनल पर। और जैसा कि आप सब जानते हैं, वापिस से एक बार दीक्षा का मौसम आ गया है, दीक्षा का सीजन आ गया है। लास्ट ईयर भी दिसंबर में यही समय हमने 13 मुमुक्षु आत्माओं का इंटरव्यू लिया था, और इसी साल वही कड़ी में 16 जनवरी जब डेट उपस्थित हो रही है, उस पर 5 भवित आत्माएं दीक्षा ले रही है, उसी कड़ी में आज हमारे समक्ष उपस्थित है मुमुक्षु सुश्री नेहाधि जैन, जो 27 वर्ष की है और वो वैराग्य के पथ पर आगे बढ़ रही है। तो आइए हम जानते हैं कि इनकी वैराग्य की कहानी क्या है। इसके पहले, अब तक अगर आप लोगों ने हमारे पहले दीक्षार्थी इंटरव्यूज नहीं देख रखे हैं, तो जल्दी से हमारे यूट्यूब स्पिरिचुअल चैनल पर जाइए, वहां पे प्लेलिस्ट करके एक ऑप्शन है जिसमें दीक्षार्थी मुमुक्षु स्पेशल की एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई गई है। वहां पर आपको पहले जितनी दीक्षार्थी आत्माएं हैं उनकी वैराग्य की कहानी सुनने को मिलेगी। अब ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम सीधा बढ़ते हैं आज के हमारे दीक्षार्थी मुमुक्षु नेहाधि जैन के पास। तो नेहाधि, सर्वप्रथम जय जिनेंद्र, और खूब खूब अनुमोदन आप इस यात्रा पर आगे बढ़ रहे हैं। तो जैसा कि सब लोग आपसे पूछ ही रहे हैं, प्रथम प्रश्न तो हमेशा यही आता है, ये जैन दीक्षा क्यों, आपको ऐसा क्या सूझा कि आपको जैन साध्वी बनना है, इसके पीछे की कहानी क्या है? इसके पीछे अगर अगर देखे तो जैन साध्वी क्यों बनना, हमारे भगवान के पास सब कुछ था, परमात्मा के पास, पर उन्होंने संसार को क्यों तज दिया, कुछ तो लॉजिक होगा इसके लिए क्यों तजा। तो आगमों में बताया कि जो जीव आत्मा है उसके लिए कि उसका एक ही मतलब अंतिम लक्ष्य होता है मोक्ष को प्राप्त करना, और मोक्ष प्राप्त करने के लिए सबसे पहला सीढ़ी होती है संयम, कि संयम लेना होगा तो ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। और मोक्ष प्राप्ति के लिए आगमों को पढ़ना, उसमें क्या वर्णन बताया है, क्या भगवान ने फरमाया है कि कैसे कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, हमारी आत्मा को कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए और जैसे और धर्मों में भी दीक्षाएं होती है, बोलते हैं कि हम भी दीक्षा मतलब संयम ले रहे हैं, संन्यास ले रहे हैं, पर उनका संन्यास कुछ अलग होता है, उनके सब चीज होता है, सारी सुविधाएं होती है उनके उसमें। लेकिन जो जैन दीक्षाएं होती है उसमें किसी भी जीव को, प्राणी को क्या नहीं करनी है, वेदना नहीं पहुंचानी है, बस अपनी आत्मा को ऊंचा उठाना है इसके लिए होती है कि किसी को नीचा दिखाकर अपने आप को ऊंचा नहीं उठाना। तो इसके लिए यही मतलब सही रास्ता है कि जैन साध्वी बनना या जैन संत बनना, उसके लिए यही है कि किसी भी जीव को क्या नहीं करनी, पीड़ा नहीं पहुंचानी, अपने को कैसे ऊपर उठना है किसी को बिना पीड़ा पहुंचाए। तो इसलिए मेरे को भी ऐसा लगा इस आत्मा का लक्ष्य क्या है, अंतिम मोक्ष है, और मोक्ष कैसे प्राप्त होगा, किसी को वेदना नहीं देनी, किसी को पीड़ा नहीं पहुंचानी, सबको अवेदान देख के चलना। जी, तो बहुत ही वैराग्यपूर्ण चीज अभी नेहा जी हमें बता रही है कि किसी भी जीव को दुख नहीं पहुंचाना। ये जब करुणा उमड़ उमड़ के बाहर आनी शुरू हो जाती है, तब जाके व्यक्ति दीक्षा के बारे में सोचता है। तो नेहा जी, थोड़ा सा मैं पीछे जाऊंगा आपकी जिंदगी में, क्योंकि इनका परिचय में ये भी चीज हम सब दर्शकों को बता दें कि इन्होंने अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन में शी हैज कंप्लीटेड एमए, इन्होंने मास्टर्स करा हुआ है हिंदी में, इसी के साथ इन्होंने बीएड भी करा हुआ है, और इन्होंने एक करियर सोचा था कि जहां ये टीचिंग के प्रोफेशन में
आगे बढ़ने का विचार कर रहे थे, है ना, जहाँ ये शिक्षक बनना चाह रहे थे, शिक्षिका बनना चाह रहे थे। तो नेहा जी, उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए कि आपको क्या, क्योंकि अभी आप 27 साल की हैं, तो शादी होने की उम्र में थे, है ना, जहाँ पे माता पिताजी से भी एक प्रेशर आना शुरू हो जाता है, तो क्या आपके मन में कभी शादी के लड्डू जो कहते हैं हम नहीं फूटे, या फिर आपके मन में जो बाहर संसार का जो आकर्षण था, अट्रैक्शन था, क्या वो रह गया है? अगर इसके बारे में बताए कि मेरे को क्या बचपन से मतलब शादी के नाम से ही मतलब कि शादी तो करनी ही नहीं है, पता अच्छा, बचपन से ही करते नहीं कैसे, पर मतलब बचपन से ऐसे कोई बोलता ना शादी, तो मैं तो ये बोलती शादी नहीं करनी मेरे को और सब ठीक है, बस शादी तो नहीं करूंगी। मेरे का जॉब करने का है, जॉब करेंगे आगे जो भी है, पर शादी नहीं करनी। तो मतलब शादी का तो कुछ था ही नहीं इशू ऐसा। और अगर जैसे मम्मी पापा का होता है भाई, अब एज हो गई शादी की, तो उन्होंने भी मतलब वो अपना कार्य कर रहे हैं भाई, वो तो उनका कर्तव्य है जो करेंगे। तो आपने बोला कि शादी की एज मतलब, तो उनका भी चल रहा था, पर फिर मैंने, मेरा तो यही था कि मेरे को शादी नहीं करनी है। फिर तो ये जैसे इतना फर्म डिसीजन, जैसे निपुण ने भी आपका इंट्रो बताया कि ऑलरेडी आपने पहले बीए किया है, फिर मास्टर्स किया है हिंदी में, फिर बीएड किया है, तो पूरा करियर आगे था टीचिंग का, और जो शुरू का उत्तर आपने दिया वो इतना डीप ज्ञान वाला उत्तर था। तो जैसे संसार में भी हमारी टीचर्स है वो भी बहुत ज्ञान देती है कि देखो पढ़ो लिखो, डिग्री लो, डिग्री के बाद जॉब करो, बिजनेस करो, जॉब और बिजनेस करने से क्या होगा, आपके पास पैसा आएगा, पैसे से आपको सुख मिलेगा, तो वो ज्ञान तो बाहर भी दिया गया था, और पूरा मेजोरिटी जो दुनिया है वो उसी ज्ञान के आधार पर चल रही है। तो आप इतने डीप जो वाक्य है वो कैसे बोल पा रहे हो, और एकदम से ये पथ पर कैसे जा पा रहे हो, इसकी जो शुरुआत है, इसकी जो चुबन है, ये इतनी समझ, ये इतना विजडम कहाँ से आप? हाँ, सिस्टम तो क्या, 2015 में दो दीक्षाएं हुई थी, तो वहां पे जब दीक्षा हुई ना, तो तभी से मेरा मतलब धर्म से लगाव ज्यादा हुआ, क्योंकि वही अब सिटी में ही दीक्षा है तो आना जाना रहते ही है, घर वालों के संस्कार है हमारे साथ के दर्शन करने जाओ, ये तो बहुत जी, कम किए थे वो, तो उन्होंने दीक्षा ली जब संत इतने बड़े भगवंत। के मैं अभी मतलब 27 साल की, उस वक्त तो मतलब जिन्होंने दीक्षा ली ना वो छोटे थे, मतलब लगभग 17-18 साल, 17-18 साल के थे। ओके। मैंने यही सोचा कि इतनी जल्दी दीक्षा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि तब नहीं था तो धर्म से जुड़े, तो फिर यही सोचा कि इतनी जल्दी दीक्षा क्यों ले रहे हैं, कुछ तो लॉजिक होगा भी, इन्होंने कुछ देखा होगा संसार में या फिर कुछ हुआ है। तो ऐसे फिर उनका भी सुना कि भाई ऐसे कुछ नहीं, मतलब कैसे उनको वैराग्य आया जो वहां पे उगता है वक्तव्य उनका, तो वह तो फिर मेरे को लगा कि कुछ मतलब धर्म में है भाई, तो फिर मेरा धर्म से लगाव हुआ, जुड़ना हुआ धर्म से। फिर धीरे धीरे मेरी बहन महाराष्ट्र ने भी दीक्षा ले रखी है, तो उनके तो आना जाना रहते ही है दर्शन के लिए। साध्वी अच्छा, कौन है आपकी बहन महाराज? विनीत विनीत विराजी महाराष्ट्र, प्रभाजी, जो अभी चंद्रकला जी महाराज साहब की सेवा में ही है जोधपुर में। तो फिर वहां जाना आना रहता ही था, तो वो भी ऐसे बोलते थे कभी कि संसार में क्या करना है, तो मैंने कहा जैसे भी होगा हमारा साथ संसार का देखेंगे आगे जो भी होगा भाव। धीरे धीरे अपने आप ही, जैसे मेरे को इंटरेस्ट, जैसे वो बुक्स आती है ना भरने की, धार्मिक बुक्स है उनको उनको भरना, बस वो ज्यादा अच्छा लगता था, तो मैं वो वही कर, ओपन ओपन बुक एग्जाम होते हैं जैसे। तो फिर उससे धीरे धीरे वो पढ़ा सीखा थोड़ा बहुत कुछ, तो थोड़ा दिमाग में ऐसे मतलब हुआ कि धर्म में कुछ है, आगे बढ़ो। फिर उसके बाद में ऐसे ही चेंज हो गया कि दीक्षा के भाव बन गए। बहुत ही सुंदर। तो जैसा कि बता रहे हैं, पहले भी हमने इतने सारे दीक्षार्थी भाई बहनों के इंटरव्यू में सुना है, अभी भी हाल ही में योगिता जी के साथ भी हमारा इंटरव्यू हुआ था, उसमें भी यही कड़ी आई थी कि शुरुआत ये हुई थी कि जब वो दीक्षा देख रहे हैं, किसी दूसरे के दीक्षा का अवसर हुआ और वो दीक्षा अटेंड करने का जब प्रसंग आता है, तब एक माहौल दिखता है। तो संसार में दिख रहा है कि अगर आप भोग को देखोगे तो इच्छा होती है कि इंसान कोई पार्टी कर रहा है, सेलिब्रेशन कर रहा है, तो हम भोग करें, और जब अच्छे सुयोग भी देखने का प्रसंग पड़ता है तो भी अंदर से प्रेरणा मिलती है। तो सब दर्शकों को एक टेक अवे मिल रहा है कि जब भी अवसर मिले, चाहे आपके शहर में हो, चाहे आपके आसपास हो, एक बार जैसे हम हर चीज का एक्सपीरियंस लेने जाते हैं, कोई इवेंट देखने जाते हैं, तो एक भव्य इवेंट, भव्य नजारा जो है कि कोई आत्मा दीक्षा लेने जा रही है, वो प्रसंग देखने भी जाए, क्या मालूम वो वक्तव्य देखते देखते एक और नेहा जी जैसा रत्न हमारे सामने उपस्थित हो जाए, ये एक प्रेरणा का स्रोत बनता है। इसलिए यूटर्न स्पिरिचुअल का भी यह प्रयास चल रहा है, जैसे नेहा जी को लाइव वहां जाके वो वक्तव्य सुन के प्रेरणा हुई, हम लोग प्रयास कर रहे हैं ये डिजिटल माध्यम से, ये ऐसी भव्य आत्माएं जो है इनकी जो कहानी है उसको प्रसारित करे,
ताकि हम सब दर्शकों को भी प्रेरणा मिलके, क्या मालूम एक और भव्य जीव हो वो अभी क्षण इंटरव्यू देख रहा हो और वो आपका वक्तव्य सुन के वैराग्य को उत्पन्न कर ले। तो नेहा जी, जैसे अभी आपने बताया कि वो दीक्षा का जो आपने वक्तव्य सुना उससे आपको थोड़ी प्रेरणा लगी, पर वो डिसीजन आप कैसे ले पाए कि अब मेरे को महाराज साहब की सेवा में ही जाना है, और एक एक पक्का जैसा डिसीजन हो गया कि नहीं, मेरे को दीक्षा ही लेनी है जीवन में। तो ये जो फाइनल डिसीजन है, क्योंकि बहुत सारे जन में वैराग्य तो आ जाता है पर वो एक फाइनल डिसीजन नहीं ले पाते, तो आपके लिए वो क्या निमित्त बना जो आपको महाराज साहब तक पहुंचा पाया और वो डिसीजन आपको फाइनल करवा पाया? निमित्त देखो, जैसे एक ना दीक्षार्थी थे तो उन्होंने क्या किया, उनकी आईएएस की तैयारी चल रही थी, पूरी तैयारी हो गई थी। वो बाहर रहते थे, सिटी से बाहर, अपने पेरेंट्स के पास नहीं रहते थे। तो उनके पेरेंट्स ने यही बोला कि अभी चातुर्मास है, आपको बस कुछ नहीं करना, दर्शन करने जाना है, ज्यादा कुछ नहीं करना। तो वो जैसे उनके मतलब ना ऐसे मतलब जाते थे तो उनके दीक्षा के बाप बन गए। तो मैंने उनका सुना कि उन्होंने आईएएस की तैयारी छोड़, मतलब एग्जाम भी देना बाकी था, एग्जाम नहीं दी और दीक्षा ले ली। तो फिर मैंने भी पूछा कि एग्जाम तो दे देने चाहिए थे, मैंने कहा आपको तो तैयारी कर ही ली उस एग्जाम ही तो बाकी। तो उनके पेरेंट्स ने भी बहुत बोला कि भाई एग्जाम दे लो, दीक्षा ले ना नहीं है दीक्षा की, पर एक बार एग्जाम दे लो। तो उन्होंने बोला कि जब मेरे को आईएएस बनना ही नहीं है तो मैं एग्जाम दे के भी क्या करूंगी। तो फिर उन्होंने बोला कि जब मेरे को आईएएस बनना नहीं है, पेरेंट्स वापस क्या करूंगी एग्जाम दे के, तो उससे अच्छा तो मैं जिस मार्ग पे जाना चाहती हूँ वहां जाके कुछ सीखू, वहां जाके ज्ञानदान सीखू, तो वो मेरे काम आएगा आगे। क्योंकि ज्ञान तो ये भविक भी और पर भविक की भविक भी है। तो उन्होंने बोला वो सीखूंगी तो वो मेरे काम आएगा, ये पढ़ाई संसार की पढ़ाई तो मेरे कुछ काम आने वाली नहीं है। तो ऐसे ही मेरा भी पढ़ाई वगैरह सब हो गई थी कम्प्लीट, बीएड कर ली थी मैंने, अभी कोरोना टाइम में मेरी बीएड कम्प्लीट हुई थी। फिर उसके बाद जब ये पीपार सिटी में दीक्षा का अवसर आया वापस, तो मैं दीक्षा देखने के लिए आई थी, तो तभी मैं यहाँ रुक गई। डिसीजन तो क्या, मैंने बस यही बोला पेरेंट्स को कि पेरेंट्स को वही लगाव होता है, मोह होता है, तो यही बोलते कि तुमसे नहीं होगा, इतने यहाँ आराम से रहते हो वहां कहाँ रह पाओगे, सब ज्यादातर। तो मैंने भी ये बोला कि ठीक है 1 साल तो रुकने दो, मैं कहा 1 साल में मेरा डिसीजन आ जाएगा। मेरे को तो पता ही था अंदर से कि मेरे को लेनी दीक्षा है, वही हो गया था मेरा डिसीजन अंदर से, बस पेरेंट्स को बताना था। तो यही बोला बस 1 ईयर। तो फिर भाई संस्कार अच्छे हैं तो मम्मी पापा ने भी ज्यादा मना नहीं किया कि नहीं रुकोगे महाराज साहब या फिर मैं लेने आ रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब गुरु कृपा है, सब अच्छा हुआ मेरे साथ। तो उन्होंने 1 साल का, मैंने 1 साल का बोला तो उन्होंने हाँ भर दिया 1 साल का। फिर 1 साल बाद मेरे से पूछा वापस कि अब आगे का क्या करना है भाई, यहाँ रहना है या फिर वापस जैसे भी हो, क्योंकि ज्ञान ध्यान तो सीख के रहते हमारा सर के पास 1 साल। तो बोला अब बता दो अपना फाइनल डिसीजन, 1 साल मांगा तो हो गया एक, हो पूरा। तो मैंने बोल दिया भाई फाइनल डिसीजन यही है कि मेरे को तब संयम मार्ग पे आगे बढ़ना है और संयम लेना है। तो वही, तो ज्यादा मेरे को मेहनत भी नहीं करनी पड़ी भाई, सबके गुरु कृपा है कि मेरे माता पिता इतने अनुकूल हैं, धार्मिक संस्कार है बोल सकते हैं, कि उन्होंने ज्यादा ना भी नहीं किया, मतलब बहुत खुश है वो तो कि हमारे मतलब घर में से कोई दीक्षा ले रहा है, तो बहुत अच्छी खुशी। ये बहुत बहुत अनंत पुण्यवाणी है, क्योंकि हम बहुत सारे इंटरव्यूज में हमने ऐसा अनुभव में देखा है कि बहुत सारे दिक्कतें, बहुत सारी कठिनाइयां, परेशानियां, परीक्षाओं के बाद एक मुमुक्षु जीव को दीक्षा की अनुमति मिलती है। मतलब ये तो हमारे नेहा जी की अनंत अनंत पुण्यवाणी, और ये इस जन्म की नहीं है, इनके पिछले जन्मों की पुण्यवाणी से अर्जित करी हुई, इनको जो सहज, इनको भी सहज मन में भाव आ गए और सहज इनको अनुमति भी मिल रही है। तो धन्य है ऐसी पुण्यवाणी को। तो जैसा कि आ रहा था वापिस से एक और बार पॉइंट आउट करना चाहूंगा, प्रथम इनका चालू हुआ 2015 जब इन्होंने एक दीक्षार्थी आत्मा है उनका वक्तव्य सुना, और जो फाइनल डिसीजन का जो इन्होंने आंसर दिया वो भी ये हो रहा है कि 2022 में जब 13 दीक्षाएं एक साथ हुई थी पीपाड़ में, जिन सबके इंटरव्यू हमने चैनल पे डाल रखे हैं, वहां पे जाके इनका फाइनल डिसीजन चालू हो रहा है। तो कितना इंपॉर्टेंस आ रहा है ये इवेंट को देखने का। तो चॉइस इज योर्स, हम दर्शकों के पास है, यही यूट्यूब है, यहाँ पर जाके आप पिक्चरें देख सकते हो, गाने सुन सकते हो, भोग वासना की चीजों का उपभोग कर सकते हो, और यही यूटर्न पे, यही यूट्यूब पे आप ऐसी दीक्षार्थी आत्माओं की कहानियां सुन सकते हो जो आपके अंदर का वैराग्य जगा है। तो चॉइस हमें लेनी है, निर्णय हमें लेना है। जी, तो अगले प्रश्न पे चलते हैं नेहा जी। मुझे बताइए कि बचपन में क्या आप भी, आपने जैसे कहा बचपन से आपको शादी का तो बिल्कुल मन में नहीं था, पर क्योंकि यंगस्टर थे, बाकी चीजों का शौक क्या आपको भी था, क्या खाने पीने, घूमने जाने का, ट्रैवल करने का, मस्तियां करने का? तो आपके लाइफ के बारे में थोड़ा सा और हमारे दर्शकों को बताएं कि बचपन की आपकी कैसी
क्या नेचर था, क्या ट्रेट्स थे? बचपन का अगर बोले तो जैसे मेरे को बस एक तो कपड़ों का बहुत शौक था, क्योंकि न्यू कपड़े चाहिए अच्छे, एक भी कोई ऐसा नहीं चाहिए, सारे कपड़े का, घड़ी वॉचेस का शौक था, जूतों का, अच्छा मतलब ये तीन चीज मेरे ऐसी थी तो फिक्स थे। और एक मेरे को खाने का और एक घूमने का, बस ये शौक थे। और एक था पढ़ाई का शौक, और कहीं नहीं जाना, बस पढ़ाई करनी, अपने कपड़े वगैरह अच्छे चाहिए, मैचिंग के सारे शूज होने चाहिए, वॉच होनी चाहिए, अच्छा और एक खाने का शौक, खाना मेरे को बहुत अच्छा चाहिए, बस ये शौक था। और तो एक घूमने का, घूमने का कोई कहीं भी बोले तैयार। ज्यादा हाँ तो ये जैसा जैसा कि आप बता रहे हो कि इतने आपके शौक थे, और अभी आपने बताया था 2022 में भी जब आप पीपाड़ गए थे रिक्शा लेने और आपने आपका डिसीजन बताया था, तो आपके मम्मी पापा ने भी यही कहा ना कि घर पे तो तू इतने आराम में रहती है, इतने नखरों में रहती है, यहाँ पे ये जीवन कैसे रह पाएगी, कैसे इसमें कर पाएगी? तो इसका उत्तर क्या आया यार, जो ये शौक दिख रहे हैं, ये शौकों के ऊपर आपने विजय कैसे प्राप्त किया, आपने इतना आपका जो मनोबल है उसको कैसे स्ट्रॉन्ग किया? देखो ज्ञान तो सबको मिल रहा है, हमें भी बचपन से मिलते रहा है, लोगों को भी मिल रहा है, पर ये ज्ञान मिलके जो हमारी आदतें हैं उनको छोड़कर कितना मनोबल मजबूत करना होता है, तो वो चीज आपने कैसे हासिल की और उसमें क्या क्या निमित्त आपको मिलते गए? इसमें सबसे पहली तो गुरु गुरुकर्ण की कृपा होती है, कि वो बताते हैं, जैसे कपड़ों का बोला तो उन्होंने मुझे परिग्रह का बताया कि कपड़े, एक कपड़ा होता है धागा, इतने मतलब है ना उससे बनता है, मेहनत मतलब आराम समाराम करके 18 पाप लगते हैं, तो मेरे कपड़ों का सब कम हो गया फिर धीरे धीरे, कि अब परिग्रह कम करना है भाई, कि मतलब दुख होता है, दूसरों को वेदना पहुंचती है, पीड़ा पहुंचती है, और वही कपड़े, अपन को कपड़े कितने चाहिए शरीर ढकने के लिए, अगर बोले तो कपड़ा, अगर जैसे बोलते हैं कि भाई मनुष्य की जरूरत क्या होती है, रोटी कपड़ा मकान, तो ढकने के लिए कपड़ा चाहिए, तो अब उससे ज्यादा ही थे मेरे पास, तो कपड़े कम कर दिए, कि जैसे मैं यहाँ महाराष्ट्र के पास आई तो बहुत कम कपड़े, मतलब लिमिट में रखना, क्योंकि तो बिहार भी होता है तो फिर उसमें वजन कौन उठाए इतना, तो फिर कम खुद को उठाना होता है अपना वजन भी, उसमें कपड़े का परिग्रह कम हो गया। और घूमने का होता है तो वो तो जैसे अपन हैबिट डालते ना जैसे हो जाता है। अब अगर मेरे को जैसे पहले था कि भाई मेरे को बीएड करनी है, मेरे को टीचर बनना है, तो मेरा फोकस उसी पे था एकदम, वही सही बात फोकस होता है, कोई आईएएस की तैयारी करनी है तो उसका पूरा पॉइंट ऑफ व्यू वही होगा, उसका पूरा फोकस वही होगा, वो इधर उधर की बातों में या फिर ऐसे नहीं फंसेगा, तो ऐसे अब जब मैंने सोच ही लिया कि मेरे को संयम लेना है, दीक्षा लेनी है, तो फिर मेरा फोकस उधर ही चला गया, तो है। घूमने का, खाने पीने का, ये सब अपने आप मतलब कम हो जाते हैं, दृढ़ मनोबल होना चाहिए और तो कुछ नहीं, बस कुछ तब मन के भी नहीं असंभव, जग में सब संभव हो सकता है, कार्य हेतु यदि कमर बांध लो तो सब कुछ हो सकता है। तो बस इन्होंने भी ऐसी कमर बांध ली और उसके बाद सब राहें ऑटोमेटिक बता रहे हैं, अपने आप हो गई। जी आप कुछ और ऐड कर रहे थे उसमें? हाँ मैं तो यही मतलब कि जैसे बचपन की जैसे मतलब था ये शौक, तो वो बचपन का शौक था, पर अब जैसे बड़े बड़े होते हैं ना, तो फिर अपने मतलब ना संसार संसारी चीजों में मोह अपने आप कम हो जाता है, कोई भी हो जैसे मेरे जैसे और भी है, ऐसा नहीं कि भाई सब ले रहे, पर उनको ना जैसे बचपन में बहुत शौक था इस चीज का, पर बड़े होते हैं तो अपने आप हैबिट, उनकी आदतें छूट जाती है, तो ये भी हो सकता है एक पॉइंट अगर देखे तो तो। एक है कि उम्र के साथ थोड़ी मेच्योरिटी आती है, दूसरा इन्होंने जो बोला हमारी जो पूर्वाचार्य है आचार्य श्री हस्तिमल जी महाराज साहब, जो वो एक वाक्य कहते थे कि कुछ मत सीखो, कुछ मत सीखो, सीखो सबसे पहले मन का दृढ़ संकल्प करना। तो नेहा जी वही बोल रहे हैं कि सबसे पहले तो मन का दृढ़ संकल्प किया, और फिर दूसरा वाक्य जो गुरुदेव बोलते हैं कि लक्ष्य पर दृष्टि, सही रीति, परिपूर्ण पुरुषार्थ और अनंत धैर्य। तो सबसे पहले तो इनने मन का दृढ़ संकल्प किया और लक्ष्य के ऊपर दृष्टि रख ली, जैसे इनने बोला था जब बीएड कर रही थी तो सिर्फ बीएड दिखता था, घूमना फिरना खाना पीना सब छूटता था, वैसे अब इनने लक्ष्य, इनकी गोल सेटिंग कर ली कि मेरे को तो दीक्षा ही लेनी है, मेरे को तो वैरागी ही बनना है। तो एक बार लक्ष्य तय हो जाता है तो आगे की मंजिल ऑटोमेटिकली इजी होने लग जाती है। तो उन्होंने यही बोला कि है ना, कभी ऐसे नहीं बोलना कि दीक्षा नहीं लेनी, निष्ठा जी प्रतिष्ठा जी महाराज साहब थे, तो जी उन्होंने, मैं बोलती थी कि मेरे को ना दीक्षा लेनी है ना शादी करनी है, तो बोलते कि दीक्षा नहीं लेनी है, ऐसे बोलो कि अगर मेरे पुण्य में हुआ तो मैं दीक्षा लूंगी, कभी ना नहीं करना, अच्छी चीज को ना नहीं करना, उनका कहने का मतलब था ये कि शादी तो सभी करते हैं भाई, तो शादी का तो कोई नहीं कहता कि मेरे को शादी नहीं करनी है, पर तो शादी के लिए भी ना करती है, दीक्षा के लिए भी ना करती है, तो दीक्षा ये बोलना कि अगर मेरे पुण्य में हुआ तो जरूर, तो फिर मेरे से कोई आगे पूछता है कि दीक्षा के भाव पे दीक्षा लेगी, तो यही बोलते हैं अगर मेरे पुण्य में हुआ तो लूंगी, बस फिर
जब से मैंने मतलब ये सब तो बोलना स्टार्ट किया कि मेरे अगर पुण्य में हुआ तो मैं दीक्षा लूंगी, तो कुछ होता है कि गुड वाइब्रेशन मिलते हैं अच्छी चीजों को बार बार रिपीट करने से, तो हो सकता है भी कोई भाव बन गए हो आगे दीक्षा के। सो आप लोग सब देख सकते हैं द पावर ऑफ वर्ड्स कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हमने एक इंटरव्यू में अभी खुशी जी चोपड़ा, सुश्री खुशी जी चोपड़ा, उनका भी इंटरव्यू लिया था, और वो भी आप लोग ने अगर नहीं आया तो वो भी इंटरव्यू आप लोग हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और उस इंटरव्यू में भी उन्होंने यही कहा था कि मैंने मैनिफेस्टेशन शुरू किया कि मेरे को, मैं भी, मेरी दीक्षा हो रही है, सभी घर वाले मुझे आज्ञा दे रहे हैं, और मैं ऐसा विजुअलाइज करने लग गए, और उनका हकीकत में मैजिकल रिजल्ट आने शुरू हो गए उनके, और उनकी भी दीक्षा जल्दी से ही खुल गई। और ऐसे ही नेहा जी भी बता रहे हैं कि बस वर्ड्स को हमें ट्रांसफॉर्म करना आना है, इसलिए हम कहते हैं नकारात्मक चीजें एटलीस्ट धर्म के लिए तो खुद के लिए नहीं कहें कि मेरे से तो बिल्कुल तपस्या नहीं होती, मेरे से तो पढ़ाई नहीं होती, मेरे से तो दीक्षा नहीं होगी, कह रहे हैं पुण्य होगा तो हो जाएगी, बस हमने वर्ड्स को चेंज कर दिया। जो नया जी से आज बहुत बड़ी लर्निंग हम सबको मिल रही है, ये तो हम इम्प्लीमेंट जरूर करना शुरू करें। जी बहुत बढ़िया जी। तो नेहा जी अगले प्रश्न पे चलते हैं। मुझे बताइए, आपके एक बड़ा भाई है, एक छोटी बहन है, और डेफिनेटली आपके गंगापुर सिटी में भी बहुत सारे फ्रेंड्स तो होंगे ही होंगे, है ना, क्योंकि कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ में आप रहे हो। तो घर वाले, जैसे आपने कहा, माता जी पिताजी तो बड़े खुश थे कि चलो दीक्षा ये ले रहे हैं, पर भाई बहन और दोस्तों का एक अलग रूप होता है, अलग बॉन्डिंग होती है। तो जब आपने उनको कहा कि ऐसी कुछ आपकी भावना है, तो उनका क्या रिएक्शन था, और क्या उन्होंने आपको रोकने की कोशिश करी, या कुछ बहलाना फुसलाना चाहा, या उनने भी आपकी पुण्यवाणी उसमें भी तगड़ी थी और उन्होंने भी सहज आज्ञा दी। अगर देखे तो पुण्यवाणी का ही है सारा खेल अभी तो, क्योंकि जो मेरे फ्रेंड्स थे काफी तो अजेंट थे, तो उनको इतना मतलब नॉलेज नहीं था इसके बारे में। केवल कॉलेज तक आना जाना ठीक है, कॉलिंग वगैरह या फिर जैसे भी मतलब जो काम होता था वो, तो इतना था नहीं। और फिर जैसे कोरोना आ गया तो कोरोना में थोड़ा सबसे लिंक कम हो गया फ्रेंड्स से भी। और जो जैन फ्रेंड थे वो, उनका तो यही था कि भाई अच्छा है तो दीक्षा ले रही है, पर वो भी मतलब उनका ये नहीं था कि संसार में वापस आना या कुछ, वो तो यही सपोर्ट करते थे कि अच्छा है पर मतलब ना सोच समझ के निर्णय लेना है, वो ये बोलते थे हमेशा। क्योंकि भाई जिस जगह जा रही है वहाँ बहुत कष्ट होते हैं, उनको बाहर क्या लगता है कि सबको दीक्षा में बहुत कष्ट होते हैं, लेकिन नहीं, कष्ट का तो क्या है, वैसे भी संसार में रहते तो भी होते हैं कष्ट, तो संसार में रहो या दीक्षा में रहो, उनका ये था कि भाई दीक्षा में जा रही है तो ज्यादा कष्ट होते हैं कि वहाँ ना। और कुछ मंदिर वाले फ्रेंड्स थे तो उनको तो ये लगता कि तुम्हारे तो ना पंखा कूलर मोबाइल कुछ यूज नहीं लेते हैं, उनको ये था। क्योंकि किसी किसी में तो क्या लेते हैं तो उसका तो फिर कोई नहीं, तो उनको यही था कि भाई जिस जगह जा रही है वहां पे बहुत कष्ट है कि होगा कि नहीं होगा, उनको भी यही लगता था। पर उनको ऐसा लगा ना कि भाई इसके मतलब भाव बन रहे दीक्षा के, तो वो तो सपोर्ट ही करते थे कि अच्छा है जा रही है तो हम भी बोले हमारे हमें ये रहेगा कि हम किसी को बात करेंगे तो हमारे फ्रेंड्स ने दीक्षा ले रखी है, हम ये बोलेंगे, उनका तो ये व्यू था दीक्षा क्या बात ले रखी है उनका, है, बहुत बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। खींचने का किसी ने प्रयास नहीं किया कि वापस मतलब संसार में लाना है, तभी तो बोले पुण्यवाणी का खेल है सारा। तो धन्यवाद। जैसे ही मतलब भाव आए मन में तो अपने आप आगे से सहज हो गया। मेरी और आपके भाई बहन का, उनका क्या रिएक्शन रहा? बहन का भी कुछ नहीं, उनका भी कोई ऐसा खास था नहीं, तो क्योंकि जैसे धर्म में हमारे यहाँ रहते हैं जो मेरे साथ में और भी मोक्ष बहन है ना, तो वो मेरे से यही बोलते हैं कि आपने वीर परिवार में जन्म लिया, क्योंकि जो मेरे बहन महाराज है उनकी दीक्षा पहले ही हो गई थी, मेरा जन्म तो बाद में हुआ था, तो बोलते हैं कि वीर तो बनना ही है वीर परिवार में जन्म लिया है, तो बोलते थे मजाक में कि वीर तो बनना ही है जब वीर परिवार में आपने जन्म लिया है, तो मैंने कहा सही आपकी बात सच हो, मैंने कहा मैं तो यही बोलती हूँ और कोई ऐसा इशू है ही नहीं। वो भी खुशी थे मतलब कि अच्छा है अगर तेरी इच्छा है तो ले, बस ये बोलते हैं कि आगे सब देख के लेना, क्योंकि कुछ ना हो कि बाद में मना करे या कुछ भी हो, मतलब मजबूत करते थे और तो कुछ नहीं, कि भाई इसका मनोबल दृढ़ है या नहीं है वो ये जानना चाहते थे कि अगर हम ऐसे करें तो ये मना कर दे या कुछ, कि ऐसे यू ही बोल रही है कि मेरे को दीक्षा लेनी है संयम लेना है, वो उनका तो यही था कि अच्छा है मार्ग भी अच्छा है तो जा रही है। तो पूज्य विनीत प्रभाजी महाराज साहब आपकी सगी बहन ही है? मेरे बड़े पापा की लड़की अच्छा, तो आपके परिवार में से ही है। ओ तो देखिए कितनी बड़ी बात आ रही है कि दो चीजें आ रही है, परिवार वाले सबसे पहले तो मोटिवेट भी कर रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं कि देखो तुम वीर परिवार से हो
और भले ही वीर परिवार से नहीं है, हमने तो नॉर्मली देख रखा है जब हम मोटिवेट करते हैं, हम भी अक्सर हमारे सेशन में बोलते हैं कि हम कौन है, हम महावीर के वंशज है ना, हम महावीर के अनुयायी है। तो महावीर के जो हम अंशज है तो हमारे अंदर तो वो वीरता होनी चाहिए कि हम इस पाथ पर आगे बढ़ सके। तो उन्होंने ना सिर्फ ये प्रेरणा मोटिवेशन दी पर उसके साथ एक वर्ड ऑफ कॉशन भी दिया, एक समझ भी दी। उन्होंने क्या बोला, देख बेटा वीरता तो जगानी है क्योंकि हमारे अंदर महावीर का खून दौड़ रहा है, तेरे अंदर वीर परिवार का खून दौड़ रहा है, पर साथ में जब भाव बने तो सोच समझ के लेना, सिर्फ भावावेश में मत लेना, पूरी चीजों को परख कर निरख कर लेना। तो ऐसी इनकी पुण्यवाणी है। और ऐसा ही अगर हमारा पूरा संघ समाज करने लग जाए, हमारे यहाँ पे लोग मोटिवेट तो बहुत करते हैं पर सकारात्मक मोटिवेशन अगर दिया जाए सब लोगों को और उनको साथ में ये समझ भी दी जाए तो हो सकता है कि ये विकसित रूप में आ जाए, ये एक समाज का कर्तव्य बनता है। और इसी के साथ जिनको ये शब्द सुनने को मिलते हैं, जैसे नेहा जी को भी सुनने को मिला, तो हमारा भी एक दृष्टिकोण होना चाहिए। तो जैसे हमने बहुत बार अक्सर कोई कोई मुमुक्षु वैरागी से सुना है, या फिर जो अभी मुमुक्षु मतलब क्या है, जिन्हें वैरागी आया नहीं है, जिनको ये मार्ग अच्छा लग रहा है कि मैंने संसार भी इवैल्यूएट कर लिया, ये भी इवैल्यूएट कर लिया, मैं धर्म थोड़ा सीखने के लिए स्थानक में जाती हूँ, और जब उनको स्थानक में बैठने वाले लोग बोलने लग जाते हैं अरे अरे तू तो दीक्षा लेगा क्योंकि तू तो पाठ समाई करते हुए यहाँ पे दिख रहा है, तो लोगों को एकदम अंदर से ये होने लग जाता है कि ये मेरे को बोल क्यों रहे दीक्षा लेना है। जैसे नेहा जी के साथ था ना कि मैं तो दीक्षा नहीं लेने वाली, मैं तो मतलब संसार में रहूंगी, ऐसा टाइप का है। तब सत्या जी ने क्या बोल रखा था, एक वो दृष्टिकोण हो। और अभी जो नेहा जी ने शब्द यूज किया था इनके परिवार के लिए कि आप जो बोल रहे हो वैसा ही हो, और वैसे हमारे यहाँ पे भी एक कहावत आती है कि आपके मुंह में घी शक्कर, तो हमारा उत्तर ये होना चाहिए, हमें डरना नहीं चाहिए अरे आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि मैं दीक्षा लूंगा, उत्तर ये होना चाहिए, सकारात्मक दृष्टिकोण होनी चाहिए कि हाँ मेरे पुण्य का उदय हुआ तो यही मार्ग श्रेष्ठ है, मैं यही करूंगी, और आपके मुंह में घी शक्कर कि मेरा ऐसा भविष्य, मेरी ऐसी वीरता जरूर जाके। जी, तो नेहा जी, आचार्य प्रवर रचन जी महाराज साहब के सानिध्य में भी आपको रहने का काफी अवसर पड़ गया, भावी आचार्य महेंद्र मुनि जी महाराज साहब के सानिध्य में भी रहने का अवसर पड़ा। तो मुझे बताइए कि उनके उनकी लाइफ में से आपको क्या सबसे बड़ी लर्निंग मिलती है, और उन्होंने आपको, जब आपने संयम पथ पर उन्होंने आपको आज्ञा प्रदान करी है, तो उनकी क्या हित शिक्षा आपके लिए रही? देखो बड़े गुरुदेव का अगर बोले आचार्य रचन जी महाराज साहब का, तो उनकी स्माइल देख के ही मेरे सारे कुछ भी चल रहा होता टेंशन वो सब खत्म पूरी। कुछ भी ऐसा होता है ना कि वही दीक्षा का अभी प्रसंग आया कि वही तो दीक्षा खोलने वाले हैं, तो मैंने बोला पता नहीं पेरेंट्स अभी हाँ बोलेंगे नहीं बोलेंगे, तो बस भगवान के दर्शन किए, उनकी स्माइल जो स्माइल करते ना मतलब बहुत बहुत मतलब लोगों के लिए समझ लो यही मेरे लिए तो है भाई कि मतलब कोई टेंशन होती है ना वो सारी गायब हो जाती है माइंड से। तो मैंने बोला और जैसे ही मतलब बोला ना कि भाई दीक्षा की आज्ञा देनी है, तो मम्मी पापा ने डायरेक्ट हाँ बस ये भी नहीं बोला कि अभी नहीं देनी, अभी तो इतना टाइम नहीं है हम बाद में देने वाले हैं, एक बार में हाँ बोल दिया। मैंने बोला हो गई टेंशन दूर, एक तो देख के मैंने कहा। और अगर बड़े गुरुदेव को देखे कि उनको मतलब अगर पीड़ा भी होती है ना तो हमेशा हंसते रहते हैं, वो अपने स्वाध्याय में रत रहते हैं और हमेशा हंसते रहते हैं। तो एक तो यही मिलता है कि कोई कैसा भी मतलब अपने अंदर दिमाग में कोई टेंशन हो या पीड़ा हो तो भी मतलब हमेशा स्माइल रखनी चाहिए फेस पे, एक तो सामने वाला कम से कम टेंशन में ना आए, एक तो ये बात हो जाती है। अपना फेस उदास होगा तो सामने वाला देखेगा तो वो सोचेगा इसको कितनी टेंशन है, अगर कोई टेंशन नहीं है लेकिन फिर भी लेकिन हमेशा हंसते रहना चाहिए। और अगर भाभी आचार्य भगवान का देखे तो वो भी हमेशा स्माइल देते हैं, स्वाध्याय करते रहते हैं, उनसे भी ऐसे ही पूछा मतलब भगवान ने पूछा कि दीक्षा की आज्ञा, तो हाँ बोल दिया पेरेंट्स ने भी कि हाँ भाई आज्ञा है दीक्षा की, और फिर पूछा कि भाई कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, और भगवान ने तो यही बोला कि देखो अब हम आपकी दीक्षा खोलने वाले हैं, अगर आपका मन है अभी आप पूरे पक्के हो तो खोल देते हैं, क्योंकि तो वो पूछते हैं पहले भाई पेरेंट्स से पूछा हमसे भी पूछेंगे आपका पूरा मन है आप पूरे डर्ड हो आपको अभी लगता है कि हमें रुकना है अभी और टाइम लेना है सब पूछ के करते हैं। तो उन्होंने भी यही बोला कि ठीक है आपकी हमने हाँ स्वीकृति प्रदान कर दी थी, तो यही बोला देखो दीक्षा खोल रहे हैं जिस तरीके से आप दीक्षा ले रहे हो शेर की तरह ऐसे ही तुम्हें संयम पालना है आगे जिनसाशन के प्रभाव ना पड़े। और गुरु और भावी आचार्य भगवान का मैन और एक बहुत अच्छी लाइन बोली थी एक बार मेरे को उन्होंने, तो अभी भी मतलब माइंड में फिट है कि यही कि ज्ञान ध्यान कम होगा तो चलेगा पर सेवा समर्पण और विनय ये पूरे होने चाहिए। बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो लाइन हम सबको भी मिल गई है, ज्ञान ध्यान भले ही हमारे लाइफ में कम हो
बट सेवा, समर्पण और विनय भाव, ये तीन चीजों की त्रिवेणी हमारे अंतर लाइफ में यदि आ जाए तो लगता है संभवतः हम भी संयम के पथ पर बहुत जल्दी अग्रसर हो सकते हैं नेहा जी जैसे। जी, तो नेहा जी आपसे अगला प्रश्न ये है कि जब से आपके अंदर ये भाव आने लगे कि मेरे को इस पथ पर आगे बढ़ना है, तो जैसे हर इंसान के साथ होता है कि कभी कभार भाव चढ़ते हैं तो भाव उतरने भी लगते हैं, वो खुद के अंदर के भी कषायों की वजह से हो सकता है या बाहर के निमित्तों की वजह से हो सकता है, तो ऐसा कौन सा आपके पास ऐसा कोई एक टूल था, कोई साधन था, कोई सूत्र था जिससे आपकी जो ये भावधारा जो ऊपर नीचे होती थी उसको आप मेंटेन कर पाते थे, तो ऐसा आपका कोई एक पर्सनल कोई साधन था? पर्सनल साधन की बात करें तो जैसे जब वैराग्य के भाव आते हैं या बनते हैं तो बहुत अप डाउन होते ही है, मतलब मेरे नहीं हर किसी के ही होता है, जिसके लिए भी दीक्षा ली है या फिर लेने वाले हैं सबके होता है अप डाउन कि मैं ये कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, मेरे से होगा या नहीं होगा, मतलब सब चलता रहता है। तो इसमें ना मरसा की भी बहुत कृपा रहती है, वो भी मतलब बताते हैं किस चीज से प्रॉब्लम है, क्या हुआ, क्यों आपके भाव मतलब कम हो रहे हैं, या फिर किस चीज से आपको ऐसा लगता है कि ये चीज मेरे से होगी नहीं। तो अगर तो मतलब मेडिटेशन बहुत अच्छा है, काउंसलिंग करो, ध्यान करो कि जिस चीज से आपको प्रॉब्लम हो रही है ना उसी के बारे में सोचो। अगर जैसे देखिए क्रोध के बारे में किसी को गुस्सा आता है तो समझो कि गुस्सा आ रहा है, तो काउंसलिंग में बैठो और यही सोचो कि ये कसाई मेरे नहीं है, ये क्रोध मेरा नहीं है, मैं इन सबसे अलग हूँ, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, ऐसे मतलब सोचना। और अपने भावों को आगे बढ़ाना है तो यही सोचो कि ये संसार के भोग से मैं भिन्न हूँ और ये मेरे से भिन्न है, मतलब ऐसे अपन डेली करते हैं। और भी मतलब इसमें ऐड कर सकते हैं बहुत सारी चीजें कि जो जो अपन को सोचना है, पॉजिटिव थिंकिंग लानी है, जिस चीज को अपन को घटाना है उसके बारे में, मतलब कि ये मेरे से भिन्न है, मैं इसका नहीं हूँ, ऐसे सोचना। अगर अपन डेली का 10 मिनट 15 मिनट जितना भी टाइम हो थोड़ा करते हैं तो अपने आप अंदर शुद्ध परिणाम होने लग जाते हैं, अपने अपन उस चीज से धीरे धीरे दूर होने लग जाते हैं जो चीज अपन को नहीं चाहिए, और जो चीज चाहिए उसके पीछे अपन पास होते चले जाते हैं उस चीज से। अच्छा, तो मतलब जैसा कि ये बता रहे हैं कि देखो मूल में तो वही है गुरु कृपा, तो सदगुरु इनके निमित्त मिलते हैं, वो तो हमारे से हमारी बैटरी चार्ज करते रहते हैं, पर उसके साथ इनके लिए जो व्यक्ति का साधन बन रहा था वो ये था कि ये ध्यान करते थे 10 से 15 मिनट, जो इनकी भावों की जो तरतमता है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता था। जी, तो नेहा जी मेरा प्रश्न अगला ये चल रहा है कि आपने कहा कि आप शिक्षिका बनना चाहते थे और स्कूल भी आपका था कि मन आप स्कूल खोलेंगे, तो आपको कभी ऐसा नहीं मन में आया कि यार गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी भले मैं शादी नहीं करूंगी मैं लाइफ लॉन्ग सेवा का काम कर लूंगी, क्योंकि कहीं लोगों के मन में ये रहता है कि छोड़ो छोड़ो दीक्षा तो बड़ा डिफिकल्ट है, घर भी छोड़ना पड़ेगा, सुख सुविधा छोड़नी पड़ेगी, अपन तो यहाँ ही रहेंगे गृहस्थ में पर अपन बहुत सेवा का कार्य करेंगे, शिक्षक ही हैं हम तो गरीबों को पढ़ाएंगे और उनको नीचे से एकदम ऊपर उठाएंगे, तो वो भी तो महान पुण्य का काम है, वो भी तो बहुत सेवा का काम, सेवा धर्म का काम है, तो आपके कभी मन में ये द्वंद नहीं आया कि मैं ये कर लूं और छोड़ो दीक्षा रहने देते हैं? जब दीक्षा के भाव आए ना तब तो नहीं आया ये काम मेरे मन में कि मेरे को अब स्कूल ही खोलना है, क्योंकि देखो स्कूल खोलेंगे चलो ठीक है, सेवा का पुण्य का काम है, लेकिन दीक्षा लेने के बाद तो सबसे बड़ा काम अपने आप हो जाएगा, सहकाई के जीवों को अवयदान मिल गया, हो गया उसमें दान का काम हो गया, पुण्य का काम हो गया, सहकाई जी के जीवों को अवयदान मिल गया, तो फिर कुछ बाकी बचा ही ना, सेवा सेवा तो यहाँ भी कर सकते हैं। की बात रही अब जैसे मरासा के पास में आते ही सीखने के लिए ज्ञान ज्ञान, तो वहां शिक्षक का मेरा हो गया वो वाला। आगे ठीक है, तो जो उपाय सर हाँ क्या बोल रहे हैं? शिक्षिका, अगर जब टीचर बनना था तो टीचर तो वहां भी आते, ज्ञान ज्ञान सिखाते तो एज ए टीचर फिर हाँ, तो स्कूल। टीचर मैम की जगह बस आपको वो गुरुणी मैया बोलेंगे, बस थोड़ा शब्द चेंज हो जाएगा तो गुरुणी मैया बोलने लगेंगे लोग, यही है आपकी घूमने फिरने का शौक भी पूरा हो जाएगा, क्योंकि हमने एक इंटरव्यू में सुना था घूमने का शौक है, तो हमारे तो संत और साध्वी से ज्यादा तो शायद ही कोई घूमता होगा, सिर्फ 4 महीने की स्थिरता रहती है, 8 महीने इनका घूमना चाहे वो शहर में हो चाहे नगरों में हो चाहे गांव में हो, अलग अलग जगह जाना होता है, अलग अलग जगह जाके रहते हैं, तो वो वाली चीज भी हो रही है, तो जिसको भी ये एक्साइटिंग लाइफस्टाइल चाहिए, जैसे श्रद्धे आनंद मुनि साहब जो पहले अंश मुनि साहब थे वो यही बोलते थे, जिसको भी ये एडवेंचर चाहिए और जो एडवेंचर सीखेंगे वो जरूर इस पथ पर आगे बढ़े, एक जैन साधु मिले तो आपको बहुत घूमने के अवसर मिलते रहे। जी, तो नेहा जी
दीक्षा आप लेने ही जा रहे हैं 16 जनवरी को, आपकी जैन भगवती दीक्षा होने वाली है जोधपुर शहर में। मुझे बताइए, दीक्षा लेने के बाद आपके दो मेन गोल्स क्या रहेंगे, दो मेन टारगेट्स क्या रहेंगे, एक तो वो बताइए, और अंत में संसारिक अवस्था में आप हम सबके लिए, हम सब संसारियों के लिए, हमारे लिए क्या हित शिक्षा देने वाले हैं, क्योंकि फिर तो हम आपको पाटे से ही हित शिक्षा लेंगे आपकी, पर अभी तो शिक्षक जैसे रोल में, बाद में गुरुड़ी मैया जैसे रोल में हम लेंगे, पर शिक्षक जैसे रोल में आप हमें क्या हित शिक्षा देना चाहते हैं, वो भी आप थोड़ा प्रकाश करें। शिक्षा के बाद मेन गोल यही है कि जो भगवान ने आगम फरमाया है, उनकी जो वाणी है उसको पढ़ना, उसको समझना कि उन्होंने क्या किस तरीके से बताया है, किस लिए साधु के लिए बताया है, ये ऐसे आचरण में लाना है, ऐसे नहीं लाना, उनकी गोचरी का भी होता है, रुकने का, विहार करने का, कैसे विहार करना है, कैसे चलना है। तो इसके लिए यही है कि जैसे आगमों को पढ़ना होता है, एक तो मूल आगम जो प्राकृत भाषा में लिखे हुए, एक उनका होता है वाचन, वाचन आचार्य भगवानों ने जिन्होंने भी किया है उनका सबका मतलब पढ़ना, उनको अर्थों को पढ़ना, अर्थ सहित उस आगम को याद करना, जिससे क्या होगा, अर्थ बहुत जल्दी माइंड में फिट हो जाता है कि इस गाथा का ये अर्थ है। तो इससे हमें मालूम चलता है कि इस तरीके से भगवान ने, क्योंकि बोल काफी लोग ऐसे बोलते हैं जो भी सीखने आता है कि प्राकृत बहुत डिफिकल्ट होती है, याद नहीं होता हमें, तो उनके लिए ये सबसे अच्छा है कि जैसे प्राकृत पढ़ी फिर उसका अर्थ पढ़ो, मीनिंग भी साथ में पढ़ो उसका, अर्थ कि भगवान ने क्या फरमाया, तो उससे अपन को मूल भी याद होता है और अर्थ भी याद होता है। इससे अपन को ये मतलब हेल्प मिल जाती है कि भगवान ने ऐसे फरमाया, क्या होता है कभी कभी मूल याद नहीं आता, भूल जाते हैं, पर हिंदी की वो याद रहती है कि इस काम को इस तरीके से करना है। और अगर गृह संसारियों के लिए बोले तो उनके लिए भी मतलब भगवान ने स्थान दिया है, आगमों में बताया, उनके लिए भी उपासन दशा में बताया कि गृह सावक धर्म है उसको अंगीकार करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है। प्रतिकरण में भी आता है कि जो एक व्रत को भी धारण कर लेता है वो श्रावक की कैटेगरी में आ जाता है, अगर किसी के 12 व्रत नहीं है तो एक किसी ने सामयिक का नियम भी लिया तो वो भी क्या बोलने आएगा, श्रावक कहलाएगा। तो उसके लिए भी यही बताया है कि जिस तरीके से भगवान ने बताया है, क्योंकि परमात्मा तो केवल ज्ञानी है, उनको तो भूत भविष्य वर्तमान सबका पता है कि किस तरीके से भाई भविष्य में आगे मनुष्य होंगे, कैसे मतलब पालन करेंगे धर्म का, तो उन्होंने उसके बारे में वर्णन किया है कि किस तरीके से सावक धर्म को अंगीकार करना है, कैसे उसका पालन करना है। तो यही है कि जितना हो सके मतलब अगर कोई मूल भी नहीं पढ़ पाए संसार में रहके, वो कम से कम उनका ये अर्थ है जो वाचनीय है वो तो करे, कि उससे मालूम चलेगा कि परमात्मा ने क्या बताया है हमारे लिए। अरे बहुत ही बढ़िया। मुझे लगता है कि हम सबको ये नेहा जी का जो इंटरव्यू, सुश्री नेहा जी जैन का इंटरव्यू जो हमने अभी लिया है, इनकी बैक स्टोरी को हमने समझा, इन्होंने कारण समझे क्यों लेना चाह रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी क्लैरिटी के साथ, कितने वैराग्यपूर्ण, ये तो इस युग का मैं समझता हूँ कि अब जो जितनी दीक्षाएं अब हो रही है, ये सब में बहुत कॉमन ट्रेड हमें देखने मिल रहा है। हम पहले, हमें भी लगता था कहीं ना कहीं कि दीक्षाएं यूं ही ऐसे हो जाती होगी, या संसतियां कुछ कर देते होंगे, है ना, पर अब जब इंटरव्यूज ले रहे हैं, और जितने भी यंग संसतियों के अभी जो लेने जा रहे हैं उनके इंटरव्यू जब हमने लिए हैं, तो ये बात तो एकदम क्लियर समझ में आने लग रही है कि क्या मन की स्थिति और क्या मनोबल और क्या थॉट प्रोसेस की क्लैरिटी के साथ ये आगे जा रहे हैं। और हमें लगता है कि जिन शासन का भविष्य उज्जवल से भी बड़ा उज्जवल है, क्योंकि ऐसे जो क्लैरिटी वाले यंग लोग दीक्षा लेने जा रहे हैं, ये जिन शासन की महती प्रभावना करेंगे ही करेंगे। तो हमारे पूरे यूटर्न परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत साधुवाद, और बहुत बहुत कि आप मंगल कामना करते हैं कि आप स्वस्थ रहें, आप संयम के पर्याय में और उत्तरोत्तर आगे बढ़ेंगे ही, आपके मन की भावनाएं उत्तरोत्तर आगे बढ़े, और आप जिस हेतु से दीक्षा लेने जा रहे हैं वो कार्य आप जल्दी से जल्दी शीघ्र पूर्ण करेंगे, यही मंगल भावना करते हैं। और आपने हम सबके लिए ऐसा अमूल्य समय निकाला, बहुत कम समय रह गया इनकी दीक्षा का, पर फिर भी इन्होंने सारे जो फंक्शंस है ना, सारी चीजों में से टाइम अमूल्य अपना निकाल के हमारे लिए इंटरव्यू का समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी दर्शकों के लिए बहुत बहुत जय जिनेन्द्र। अब आप पे है कि ये स्टोरी को, ये इंटरव्यू को आप जन जन तक पहुंचाएं, नेहा जी की स्टोरी, भले ही आप दीक्षा तक जोधपुर पहुंच पाए या नहीं पहुंच पाए 16 जनवरी को, पर ये इंटरव्यू तो घर घर तक पहुंचाने का कार्य आपको जरूर करना है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके रखें, और फॉरवर्ड करते रहें, शेयर करते रहें, ताकि ऐसे मुमुक्षु आत्माओं की स्टोरी घर घर तक पहुंचे। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।